चूरू जिले का तापमान माइनस में चल रहा है, यानी जमाव बिंदु से नीचे। ऐसे में हर कोई ठंड से बचने के लिए अनेक प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। एक और अनूठी शादियों का दौर चल रहा है। हेलीकॉप्टर वाली शादी काफ़ी चर्चित रही। अपनी शादी को यादगार एवं चर्चित बनाने के लिए आज के युवा क्या क्या कर लेते हैं, ऐसी अनूठी शादी की झलक देखने को आज मिली। हालांकि आज का तापमान आधिकारिक रूप से -1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में दो भाइयों की शादी थी। दोनों मेगा हाईवे पर सजी धजी गाड़ियों में सवार थे और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। जिसने भी देखा देखता ही रह गया। ऐसा लगा देखने वाली क्या बात है। जी हाँ, वही बात कर रहे हैं। -1 डिग्री में गाड़ियों में हीटर जलाकर यात्रा करते हुए यात्री देखे जा रहे हैं। मगर आज ये दोनों दूल्हे सनरूफ गाड़ी की खिड़की को खोलकर गाड़ी में खुले आसमान, जमाव बिंदु से नीचे के पारे में शीत लहर और गाड़ी की रफ्तार में खड़े नजर आए। इतनी सर्दी में ऐसा करना भला ही हजम न हो, मगर ये सच है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी खुली सड़क पर गाड़ी में खड़े होकर चलने की। शादी को यादगार बनाने का ये तरीका अनूठा और नायाब लगा। हालांकि रिस्क ही है, बीमार कर सकता है। हम इस प्रकार के जोखिम लेने की सलाह नहीं देते। अगर कोई ऐसे कर्तव्य करता है तो रिस्क उनकी खुद की होगी। मेगा हाईवे पर जिस किसी ने देखा देखता रह गया। हालांकि कुछ ने तो सेल्फी एवं फोटो लेने का प्रयास किया, कुछ को सफलता मिली, कुछ फोटो या सेल्फी लेने में असफल रहे। भीषण ठंड, शीत लहरें और कड़कड़ाती ठंड, जमाव बिंदु से नीचे पारा। ऐसे में खुली गाड़ी में खड़े होकर दूल्हों का चलना काफ़ी रोचक लगा और ध्यान खींचने वाला लगा। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं था, मगर ऐसा करके अपनी शादी को यादगार बनाने और चर्चित बनाने का ये तरीका उन्होंने निकाला है। और मेगा हाईवे पर दौड़ती हुई गाड़ियों में दूल्हे सनरूफ खिड़की से बाहर की ओर खड़े थे। दोनों ही दूल्हे बाहर थे। हालांकि सर्दी से इनके चेहरे लाल ज़रूर थे, लेकिन शादी का जोश ऐसा था कि सर्दी इनके आगे कमज़ोर साबित हो रही थी और दूल्हों का जोश है वो देखने लायक था।